रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये सतावारी वगैरह क्या चुपके से सुन, इस पल में जीवन दोस्तों देखिए यहाँ पे नाविक कैसे होते हैं। नाविक की इमेजिनेशन आपकी डिफरेंट होती होगी, लेकिन यहाँ के नाविक देखिए बिल्कुल ही अलग तरीके के होते हैं जो कि नाविक नहीं लगते हैं। ये देखिए ये सब बोट हाउस है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, चाहे तो होटल में रुकिए या फिर बोट हाउस में रुकिए। बीच ये फ्लोटिंग मार्केट है, देखिए फ्रूट्स बिक रहे हैं यहाँ पे। यहीं पे बेच दिया भैया ने, नाव में चलते जैसे। क्या है
से बता रहे हैं कि वहाँ पे वो जो पॉइंट है वहाँ से होती है वाटर सर्फिंग और वाटर बोट, वो मोटर बोट है वहाँ पे। ललित जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो वहाँ आके रुक सकते हैं, और सामने है ताज, ताज पे भी आके रुक सकते हैं कुछ लोग, और जो भी है शिकारा करने के लिए तो नदी में आना, ओ नदी कह रही हूँ, झील में ही आना पड़ेगा। वाटर स्पोर्ट करते हैं बट अभी दिख नहीं रहा है मुझे, शायद शाम का समय है इस वजह से, बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, पहाड़ ऊपर से वहाँ पे बादल आ रहे हैं। तो दोस्तों ये है हाउस बोट, अगर आप आते हैं कश्मीर श्रीनगर में तो आप हाउस बोट में रुक सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों आगे मैं बताने वाली हूँ कि यहाँ पे मिशन कश्मीर का शूट हुआ था, स्टार ऑफ कश्मीर लिखा हुआ है यहाँ पे, मिशन कश्मीर का शूट हुआ था। वो एक गाना घूमरू घूम वो इधर ही बनाया था सेट, उस टाइम वो मंदिर दिखा देते हो वो ऊपर मंदिर है इधर से। तो दोस्तों मैं हूँ डल लेक पे, शिकारे पे हूँ और बस एंजॉय कर रही हूँ इस मोमेंट को। कब मैंने लास्ट किया था ये मैंने केरला में किया था और अब यहाँ कर रही हूँ, यहाँ की बात ही और है, डल लेक पे शिकारे पे जाने की बात ही और है। देखिए यहाँ के नज़ारे ही अलग है, सामने पहाड़ है, इधर उधर फ्लोटिंग मार्केट है, और ये देखिए ये रहा पहाड़, देख रहे हैं शाम हो चुकी है बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं हूँ डल लेक पे, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ तो बहुत ही रिलैक्सिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस पूरे 3 दिन के ट्रिप में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इस नाव में चलते हुए लगा है और बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है पूरा माइंड रिलैक्स हो रहा है। और क्या बताऊँ, आसमान है, सामने पानी है। दोस्तों ये है फ्लोटिंग मार्केट, ये फ्लोटिंग मार्केट है, यहाँ पे कश्मीरी सामान लोग बेचते हैं, जो भी बनाते हैं यहीं पास में ही रहते हैं और यहीं पर नाव में ही बेचते हैं। देखिए यहाँ
अच्छा घर भी है ना यहाँ पे। ओके मार्केट है ना, स्पेशल गवर्नमेंट ने टूरिस्टों के लिए रखा है क्योंकि यहाँ पर सेफ है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए। और यहाँ पर आपको मतलब मार्केट से सस्ता मिलेगा चाय कॉफी 2-3 लाख रुपए तक, जैसा मतलब डिपेंड है क्वालिटी पे। अच्छा जैसा क्वालिटी लेना स्टार्टिंग है 100 से। तो ये फ्लोटिंग मार्केट है क्या ये? लेकिन मार्केट तो फ्लोटिंग नहीं है ना है। अच्छा तो आप लोग जब भी आए तो यहाँ पर आके ले सकते हैं बहुत सारे सामान। यहाँ पे पीछे सब लोग सब्जियाँ उगाते हैं और इधर मार्केट रहती है इनकी कपड़ों उपड़ों की। अच्छा ये गांव है हाँ। तो दोस्तों मैं अभी भी नाव में बैठी हुई हूँ और कॉफी मिल गई है यहाँ पे। ये साइड में शॉप है तो यहाँ पे रुके हुए हैं और कॉफी इंजॉय करती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो ये है मीना बाज़ार। जैसे दिल्ली में मीना बाज़ार है वैसे यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे एक से एक कपड़े मिलते हैं जो कि यहाँ बनाए जाते हैं कश्मीर में ही। ये देखिए न्यू, देखिए हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट का सारा सामान है। देखिए नॉर्मल जनरल स्टोर है, खाने पीने का सामान मिल रहा है। ये रहा हाउस बोट, यहाँ पार्टी वार्टी चल रही है मस्त तगड़ी। और इधर अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये देखिए हाउस बोट कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, रात के वक्त पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो खैर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ।
अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कश्मीर की और खूबसूरत जगह दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।